हमेशा अपनी आदतें विजेताओं वाली रखो, हमेशा अपनी आदतें विजेताओं वाली रखो, क्योंकि कामयाबी गुलाम होती है तुम्हारी आदतों की। हेलो साथियों, मैं राजकुमार यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार की विद्यार्थी। आज मैं उन सैकड़ों बच्चों के डाउट्स लेकर के आया हूँ जिनकी उम्मीदें कहीं से भी पूरा नहीं हो रही थी और वो PBR स्टडी में जुड़े हैं, अब उनकी उम्मीदें पूरा हो। टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो PBR स्टडी को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि सारी क्लास का लिंक इसमें बिल्कुल फ्री भेजा जाता है और रोज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आज बात करेंगे दशमलव संख्याओं का। सॉरी, रात के काफी ज्यादा टाइम हो गया, खांसी आ रही सुबह। आइए फिलहाल आने दीजिए, इस साइड में रखिए। दशमलव वाली कुछ इस तरह की संख्याएं हैं, जैसा कि पहला सवाल है 0.343, इनका घनमूल कैसे करें। ये डाउट बहुत से बच्चों के हैं कि दशमलव लगा हो तो सर घनमूल कैसे करते हैं। जैसा कि अगर इसमें मैं कुछ ऊपर के नाम लेना चाहूँगा जो बच्चे हैं, चंदन प्रजापति, अनिल कुमार, ये उदयपुर राजस्थान से हैं, चंदन जी मध्य प्रदेश से हैं, सागर जिला इनका, संजीत कुमार रायबरेली यूपी से हैं, रोहित फिरोजाबाद यूपी से हैं, सौरभ ग्रोवर ये पश्चिम बंगाल से हैं, पता नहीं कौन सा जिला है इन्होंने नहीं लिखा था, अमर सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं, संगवानाथ हरियाणा से हैं, वंदना वर्मा आजमगढ़ से हैं, प्रतिमा सिंह मिर्जापुर से हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके डाउट हैं ये इस तरह के, इन्होंने मुझसे इस टॉपिक पर बात करने के लिए बोला था। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इनके देखिए दो बीमारी है तो एक एक बीमारी का समाधान करते हैं। कोई भी किसी भी अगर इंसान को दो बीमारी है, चार बीमारी है तो एक एक का दवाई करते हैं। इकट्ठा दवा दे देने से रोगी रहेगा ना रोग, तो ऐसा नहीं करें, इकट्ठा दवा ना दें। तो पहले हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे इसमें दो बीमारी का मतलब एक तो दशमलव लगा है, दूसरा घनमूल का चिन्ह लगा है। तो पहले क्या करेंगे मेरे भाई, पहले दशमलव हटाएंगे, घनमूल का चिन्ह वैसे लगा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 343, दशमलव हटेगा तीन अंक पर तो नीचे हो जाएगा 30। ठीक है, 7 × 49 = 343, तो ये 7/10, क्योंकि आपको पता है कि नहीं भैया, घन याद करने को बोला था बबुआ, बोला था ना तुम्हें, तो 7 का घन 343 होता है, 10 का जो घन है वो 1000 होता है। तो इसी क्रम में थोड़ा मैं उल्टा कर दिया, तो 1000 की जगह 10 की घात 3, क्योंकि ये घनमूल निकल रहा है तो 3 घात से भागी करते हैं, पता है ना आपको, इतना इतना जानते हो ना यार, भैया जानते हो ना बाबू, चलो ठीक है। ए भैया ठीक है यार, चलो तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया, या फिर आपका आंसर 0.7 भी हो सकता है। दूसरा, इनको लिख लो, जल्दी देख लो, इनका मैं PDF आपको PBR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। दूसरा 0.10648, ये भी देख लो, 10.648, इनका घनमूल करना है बबुआ, कैसे होगा मेरे भैया, चलो देखो आसान है, बहुत आसान है। इनमें पहले तीन अंक पर दशमलव है, तो सबसे पहले हम दशमलव यहाँ से रिमूव करेंगे, तो 10648 दशमलव रिमूव करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा नीचे। ठीक है, और अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको घन याद करवाया था, तो बबुआ हो ए भैया, ई ना 22 का घन है 10648, आपको याद होता तो आप कर ले जाते। ये कितना आएगा, 22/10, क्योंकि इसका 1000 का घनमूल 10 है, इस तरह से ये 2.2 आएगा। कुछ लोगों के मन में डाउट है कि सर ये 10648 का जो है आपने 22 कैसे लिख दिया, क्यों भैया डाउट है ना तुम्हारा राजा, तो मैं ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, कि 10648 का घनमूल 22 आता है, कैसे मैं दिखा रहा हूँ, चलो आगे बढ़े। ठीक है, इसको लिख लो, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे इसका PDF दे दूंगा, देख लो समझ लो क्या लिखा। आइए 10648 बात करते हैं,
क्वेश्चन है 10, 6, 4, 8। सबसे पहले इनका क्या करेंगे मेरे भाई, हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना मतलब समझ रहे हो? नहीं यार, घनमूल मतलब तीन तीन का जोड़ा बनाना है, सिंपल है। तो इनका पहले फैक्टर कर लो, 10, 6, 4, 8, इनका पहले फैक्टर कर लो। 2 से करोगे, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 9 4, 2 4 8, 2 2 9 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 9 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 11 से काटोगे तो 11 1 11, ये हो जाएगा 23। तो 2 11 2 22, 11 1 11, फिर 11 से 11 11 हमें 121, फिर 11 से 1। इस तरह से आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया मेरे भैया। इनका जो फैक्टर था वो हो गया पूरा, इनमें 3 रहेगा अगर घनमूल है तो। घनमूल है तो यहाँ पे क्या रहेगा बाबू, 3 रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया फाइनल। 2 2 का जो है वो 3 बार हुआ है, 11 का भी 3 बार हुआ है। जोड़ा बना लो भैया, बना लो राजा जोड़ा, जिनका बन जाए। आजकल जोड़ा बनना बहुत बड़ी बात है। हाँ ये हो गया कंप्लीट ना, कोई डाउट किसी को? इनका गुणा कर लो, 22 हो गया। तो ये हो गया आंसर, यानी 10,648 का जो मैं उधर 22 लिख रहा था वो इसीलिए लिख रहा था। सभी समझ गए तो एक बार यस बोल दो, डन। कोई डाउट किसी को? नहीं ना, चलो नेक्स्ट। अगला फ्लाइट देखना ध्यान से, इसे बहुत प्यार से देख लीजिए। राजकुमार यादव सर मैथ्स, ये चैनल आपके लिए सारी फ्री क्लास उपलब्ध कराता है, क्योंकि लाइव क्लास आप पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पे देख लो लाइव, बाकी रिकॉर्डिंग सारी क्लास बाद में इसी मिलती है। सिस्टम से पढ़ना है, सब्सक्राइब कर लेना। आइए आगे बात करते हैं। 2.744 क्या है बबुआ, क्या है मेरे भैया? क्वेश्चन है 2.744, इनका क्या करना है? घनमूल क्या करना है भैया? घनमूल बाबू, चलो। इसमें भी दो बीमारी है, तो सबसे पहले हम चिन्ह हटाएंगे, कौन सा, सॉरी, दशमलव हटाएंगे, 1000 से भाग हो जाएगा। और फिर ये क्या हो गया आपका, बस वही आ गया पुराने लाइन पर। ये जो 27 44 देख रहे हो ना, 27 44 जो है ये घन है किसी का, याद है किसी को? नहीं याद है ना, यही चीज तो तुम गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। 14 का घन करो रे बाबा, करो ना 14 का घन करो ना, ये होता है 27 44, अगर याद करे होते तब ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 14 नीचे 10, फाइनल में 1.4 तब आता है आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बता दो मुझे। नहीं ना, ये है दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल। 13.824 लिखो, 13.824। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पांच नंबर मान लो, इसका क्या है? घनमूल। चलो रे बाबा आगे बढ़ो, पहले तो इसमें से हम दशमलव हटाएंगे। तो ये 13.824 नीचे आपका 1000 हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो 13.824 जो है ये किसका है जानते हो? ये 24 का घन है, 24 का 3 घात करोगे तो यही आएगा 13,824। सबको पता है कि नहीं, इसमें ना फंसो यार। चलो देखो ये क्या आएगा, 24 और 1000 का 10, फाइनल में आपका 2.4 आएगा, ये आंसर हो गया। अब अगर आपको नहीं पता है कि 24 ये 13,000 का जो है, 824 का जो घन मूल है वो 24 आता है, तो आप कमेंट करके बताना, मैं सिखा दूंगा जैसे अभी सिखाया था पीछे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया, आपने क्या क्या सीखा उसे कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, पीवीआर स्टडी के जो और भी चैनल हैं उन्हें ज़रूर आप फॉलो कर लो, जिससे कि आपको सारी क्लास मिल सके। ठीक है भैया, आगे बढ़ूं?
चलिए वीडियो को खूब दबा के शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे हम। वीडियो को शेयर जरूर करना, खूब दबा के शेयर करना, बिल्कुल कहीं जाना नहीं बिना शेयर करें। थैंक यू।